नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोलाइडेबिलियन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन। ये कोलाइडेबिलियन दरअसल होते कितने प्रकार के, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ पर कोलाइडो के प्रकार है, कोलाइडो के प्रकार, चलिए हम लोग कोलाइडो के प्रकार के बारे में जानते हैं। कोलाइडेबिलियन कितने प्रकार के होते हैं? दरअसल दोस्तों कोलाइडेबिलियन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए कोलाइडो के प्रकार यानी जो कोलाइड के पदार्थ होते हैं, जो कण होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, उन्हीं के बारे में कह रहा है कोलाइडो के प्रकार। कोलाइडेबिलियन दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। दरअसल द्रव स्नेही कोलाइड को लिक्विड हीटिंग कोलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड हीटिंग कोलाइड भी कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड को, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये इसका स्पेलिंग है, यहाँ गलत लिख दिए थे नोट्स में। द्रव विरोधी कोलाइड को क्या कहते हैं? लिक्विड हीटिंग कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहते हैं? लिक्विड लविंग कोलाइड। तो दोस्तों जानते हैं द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। दरअसल जो द्रव स्नेही कोलाइड है, लिक्विड लविंग कोलाइड है, ये क्या है? अब देखिए इसमें नाम से ही परिचय दे रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड यानी प्रकृति में कुछ ऐसे दोस्तों कोलाइड के प्रकार होते हैं जो कि द्रव से बहुत अधिक स्नेह रखते हैं। क्या रखते हैं? बहुत अधिक द्रव से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, राइट। द्रव स्नेही कोलाइड, लिक्विड लविंग कोलाइड। इसमें देखिए क्या कहें, जो पदार्थ द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडेबिलियन बनाते हैं। हमने क्या कहा? जो पदार्थ, देखिए वही बात आई, जो कोलाइड के पदार्थ द्रव से बहुत अधिक स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उन्हें हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड, लिक्विड लविंग कोलाइड कहते हैं। यानी जो पदार्थ द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडेबिलियन बनाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। प्रकृति में दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, यदि आप उन्हें द्रव में डालेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से कोलाइडेबिलियन बना लेंगे। तो ऐसे कोलाइडों को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, द्रव स्नेही कोलाइड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, जो पदार्थ द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडेबिलियन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और देखिए क्या इनमें कहा गया है, तथा इन पदार्थों के विलयनों का द्रव स्नेही साल कहा जाता है। यानी जो द्रव स्नेही कोलाइडेबिलियन होता है, जब उनका कोलाइडेबिलियन बनेगा तो दोस्तों उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? द्रव स्नेही साल कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव स्नेही साल कहेंगे, राइट। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, द्रव स्नेही साल, इन पदार्थों के विलयनों को द्रव स्नेही साल कहते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल में आता है स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, गोंद है। स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, गोंद इत्यादि द्रव स्नेही कोलाइड पदार्थ होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए द्रव स्नेही साल अस्थाई होते हैं। अच्छा क्यों? विद्युत अवघट की थोड़ी मात्रा के द्वारा अवक्षेपित नहीं किया जा सकता। यानी जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये विद्युत अवघट के द्वारा अवक्षेपित नहीं किए जा सकते। द्रव स्नेही कोलाइड को वाष्पित या ठंडा करके प्राप्त ठोस पदार्थ को पुनः द्रव में हिलाकर या गर्म करके कोलाइड में बदला जा सकता है, राइट। इसलिए द्रव स्नेही साल को उत्क्रमणीय कोलाइड कहा जाता है। जरा आप समझिए, चलिए एक एक पॉइंट करके इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वह स्टेबल होता है। अच्छा, द्रव स्नेही कोलाइड स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि आप इसमें कितना भी आप बच्चों विद्युत अवघट मिलाइए, इसका अवक्षेपण होगा ही नहीं होगा। फिर देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड को वाष्पित या ठंडा करके, कभी आप द्रव स्नेही कोलाइड को वाष्पित या ठंडा करके प्राप्त ठोस पदार्थ को पुनः हिलाकर या गर्म करके कोलाइड में बदला जा सकता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। जरा आप समझिए, प्रश्न ये है कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या स्थायी होता है? है इसलिए क्योंकि विद्युत अवघट के द्वारा अवक्षेपण नहीं होता। दूसरी बात, द्रव स्नेही कोलाइड को क्या उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं? हाँ कहते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं रिवर्सिबल कोलाइड, उत्क्रमणीय कोलाइड। अब ये द्रव स्नेही कोलाइड को उत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि
जब भी द्रव स्नेही कोलाइड होता है इसे आप वाष्पित करिए, ठंडा करिए। जो कोलाइड के छोटे छोटे कण होंगे प्राप्त होंगे उन्हें आप पुनः जल में डालकर हिलाकर डुलाकर गर्म करेंगे, पुनः कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है। द्रव स्नेही कोलाइड जो कि द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ये रहे इनके एग्जाम्पल, जैसे स्टार जिलेटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, और ये स्टेबल होते हैं क्योंकि विद्युत अवघट के द्वारा वह क्षेपण नहीं होता। दूसरी बात, द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय कोलाइड होता है क्योंकि इन कोलाइडों को आप पुनः कोलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में। द्रव विरोधी कोलाइड दोस्तों क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड यानी लिक्विड हीटिंग कोलाइड। दरअसल जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है इसे अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। अब ये सब कैसे होता है आगे जानेंगे। अब ये यहाँ पर हमने आपको बताया द्रव स्नेही कोलाइड को अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे क्यों कहते हैं। अभी हमने अगली हेडिंग में बताया, देखिए द्रव विरोधी कोलाइड जो द्रव से विरोध करते हों, जो जल्दी द्रव में न घुले, जो पदार्थ द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, तथा इन पदार्थों के विलयनों को द्रव विरोधी साल कहते हैं। ये देखिए, एक ऐसा पदार्थ जिसे आप द्रव में डालिए और आसानी से कोलाइडी विलयन न बनाए उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे, और इनका जो जलीय विलयन बनेगा उन्हें द्रव विरोधी साल कहेंगे। बात समझ में आ रही है? इन्हें क्या कहेंगे? द्रव विरोधी साल कहेंगे, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, सल्फर है, धातुओं के हाइड्रोक्साइड साल है, ये सब जल्दी द्रव में नहीं घुलते, समझिएगा जरा। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के सल्फाइड होते हैं, ये सब द्रव विरोधी साल होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब द्रव विरोधी लिक्विड हीटिंग कोलाइड है। ये द्रव में घुलकर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, इनके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो संपूर्ण फंडामेंटल है, दरअसल द्रव विरोधी कोलाइड को अस्थाई कोलाइड कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड को अस्थाई, द्रव विरोधी को अस्थाई। क्यों अस्थाई कहते हैं? क्योंकि विद्युत अवघट के द्वारा इसका अवक्षेपण हो जाता है। ये देखिए, द्रव विरोधी साल में विद्युत अवघट की थोड़ी मात्रा मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है। अच्छा, द्रव विरोधी कोलाइड को वाष्पित करिए या ठंडा करके प्राप्त जो पुनः पदार्थ होता है आप द्रव में डालेंगे पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, यानी पुनः ये कोलाइडी विलयन में नहीं कन्वर्ट होता, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय कोलाइड, इन रिवर्सिबल कोलाइड। बात समझ में आ रही है? उत्क्रमणीय कोलाइड का मतलब जो दोनों तरफ क्रिया होती हो, अनुत्क्रमणीय कोलाइड का मतलब जो दोनों तरफ क्रिया न हो। क्योंकि आप ये बताइए, जैसे चीनी है, इस एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे समझते हैं, चीनी है, चीनी को आप जल में घोलिए और उसे आप क्या करिए, टेम्परेचर पर रखिए। जब आप धीरे धीरे हिलाएंगे डुलाएंगे तो जो जल होगा, वाटर होगा, टेम्परेचर के द्वारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वाष्पित हो जाएगा, लेकिन पात्र में चीनी तो शेष रहेगा ना। अब चीनी से आप लोग मिठाई बनाते हैं, अब उन मिठाइयों क्या करिए, पुनः जल में डालकर पुनः आप चीनी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है क्रिया, ये उत्क्रमणीय क्रिया, इस क्रिया को दोस्तों आप बार बार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किस प्रकार हम लोग सीख पाएँ द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, उसमें हमने बताया एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसे द्रव में डालने पर, एक ऐसा कोलाइड पदार्थ जिसे द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं उन्हें हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इन्हें रिवर्सिबल कोलाइड भी कहते हैं क्योंकि पुनः आप कोलाइडी विलयन में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, लिक्विड हीटिंग कोलाइड क्या है, एक ऐसा कोलाइड पदार्थ जिन्हें द्रव में डालने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनते उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, राइट। और इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं इसलिए क्योंकि इन्हें द्रव में डालने पर आसानी से जो होते हैं कोलाइडी विलयन नहीं बन पाते, इसलिए इन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहा जाता है, यानी इनरिवर्सिबल कोलाइड। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और हम आपको सभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।